कल से ना अभी तक हम सोए नहीं है। व्यापारी ने बुला के मुझे यहाँ पे अच्छा खासा फंसा दिया यार। अपना है इधर एक गाड़ी, इधर है एक गाड़ी, उधर है। साफ सफाई कर रहे हैं गाड़ी का। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। हो चुका सुबह भी आप सबको गुड मॉर्निंग। पिछले वाले वीडियो में देखा होगा वाराणसी से लोड करके आसनसोल मंडी आए हुए थे, तो भाई गाड़ी अगर खाली हो चुका है। गाड़ी खाली करने के बाद बलरामपुर के तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आज अपना लोडिंग भी है। तो फिलहाल इस वीडियो को ऐसे कंटिन्यू करना, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस करिए क्योंकि आपका छोटा भाई आप लोगों को ऐसे ही मेहनत करता रहेगा और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आता रहेगा। तो काफ़ी लेट हो रहा है, फटाफट निकलते हैं। और अभी तक कॉमेंट करके नहीं बताया कि भाई कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो, तो कॉमेंट करिए प्यारा सा, क्योंकि कॉमेंट करते हैं तो आप लोग कॉमेंट में पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो चलिए निकलते हैं, लेट हो रहा बहुत ज़्यादा। और भाई साहब कल से ना अभी तक हम सोए नहीं है एक घंटा भी। भाई हम सोच रहे हैं ना कि बलरामपुर मंडी पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कि एक आध घंटा अगर सोने का टाइम मिल जाएगा तो भाई आराम जरूर करेंगे। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं बलरामपुर। तो हमारा मंडी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बगल में ही दिखा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं दिखा रहा है। ये देख सकते हैं मैप मैंने लगा दिया है, हमें लग रहा है कि 100 से 100 मीटर होगा। अच्छा ये पहुंच तो गए यार, यही लग रहा है मंडी है भाई, ये देखिए। तो ये बलरामपुर मंडी, चलते अंदर गाड़ी लगाते हैं। और कौन कौन भाई बलरामपुर मंडी से या फिर इसके आसपास से वीडियो वॉच कर रहा है तो भाई कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई। तो भाई फाइनली बलरामपुर मंडी के अंदर पहुंच चुके हैं। जस्ट भाई मैंने गाड़ी इधर साइड में लगा दिया है, अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि हमारा जो गाड़ी लोड करवाने वाला है ना, वो भाई उनको मैंने कॉल किया था, वो अभी फिलहाल सो रहे हैं। तो जैसे ही वो सो के उठेंगे तो मुझे कॉल कर लेंगे, तब तक भाई हम भी सो लेते हैं क्योंकि भाई बात करने के ना परिस्थिति में एकदम भी नहीं है। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त नींद आ रहा है, जब हम सो के उठेंगे, जब मेरा गाड़ी लोडिंग चालू हो जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और पहले सोते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल भाई हम जा रहे हैं 2 घंटा सोने के लिए क्योंकि पार्टी से बात नहीं हुआ अभी तक, हमारे जो लोड करवाने वाले हैं उनसे ही बात नहीं हो पाया है। सबको ही मस्त सो रहे हैं तो हम क्यों जगे रहे, हम भी सो ही लेते हैं। जिसको जब फ़ोन करेगा तो उठा लेंगे फ़ोन, बात हो जाएगा, फिर चलेंगे लोडिंग पॉइंट पे, लोडिंग कर लेंगे, मतलब अपने जगह पे तो हम पहुंच गए ना। तो चलिए सोते हैं भाई, गुड नाइट। तो भाई फाइनली सो लिया, सो के उठ चुके हैं, अभी फ़िलहाल जा रहे हैं खाना खाने के लिए। व्यापारी साहब को मैंने कॉल अगर कर दिया है, व्यापारी साहब ने लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया है। कोई नहीं, हो सकता है वो कुछ काम कर रहे हो, कॉल बैक कर लेंगे। तो चलिए पहले खाना का रखा के हम भी रेडी हो लेते हैं क्योंकि कुछ देर बाद शायद लोडिंग चालू होने ही वाला है। तो चलिए पूरा इधर मार्केट अगर लगा हुआ है देख सकते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं भी चल के यहाँ का मार्केट कैसा है कैसा नहीं है। तो फिलहाल भाई अभी हम लोग मंडी घूम रहे हैं और मंडी घूम के ये पता कर रहे हैं कि होटल कहाँ है खाने पीने का। तो एक लोगों ने बोला कि भाई उधर आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। तो ये पूरा हाट लगा हुआ है मंडी, मतलब जैसे वेस्ट बंगाल में ना हाट बोलते हैं कि सब्जी हाट लगे छे या फिर बाजार लगाए, जो भी मतलब ऐसा हाट ही बोलते हैं हम लोग गांव में ना, हाट बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा लाइन से भाई किसान बैठे हुए अपना अपना सब्जी लेके। अब देखते हैं अगर आज मेरा लोडिंग टाइम से हो जाता है तो यहाँ से ना घर के लिए सब्जी अगर अभी ले लेंगे, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा बैग खरीद के रखा है जिसमें बहुत ज़्यादा सब्जी आने वाला है, तो खरीद लेंगे घर के लिए। तो ये कुछ मंडी का नज़ारा है भाई, देख सकते हैं इधर। तो भाई फाइनली होटल में पहुंच चुके हैं और भाई खाना वगैरह भी अपना लग चुका है। और चाचा जी अपने साथ में, इनका मतलब चावल खाने का इच्छा नहीं, रोटी ही खाएंगे। तो रोटी फिलहाल आटा कर सान रहे हैं, तो रोटी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई अपना खाना लग चुका है, ये देख सकते हैं। तो चलिए ये करेला का सब्जी थोड़ा सा मिक्स है, और इधर दाल, थोड़ा सा भाजा और एक पीस मछली और चटनी भात। तो चलिए फटाफट खाते हैं, फिनिश करते हैं। तो भाई हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास में। तो चलिए फटाफट चलते हैं यहाँ से गाड़ी के पास। भाई व्यापारी ने बुला के मुझे यहाँ पे अच्छा खासा फंसा दिया यार। पता है सुबह जब हम सो रहे थे, सोने से पहले उनसे मेरा बातचीत हो चुका था, लेकिन भाई अभी कॉल रिसीव ही नहीं करना चाह रहा है, पता नहीं क्या हो गया। और जब हम कल निकले थे ना वाराणसी से, तभी से वो बोल रहा था भाई आप जाइए बलरामपुर मंडी, लोड करवा देंगे, लोड करवा देंगे। लेकिन पता नहीं अभी अचानक से क्या हो गया यार, इतना बुरा मतलब फंस चुके हैं यहाँ पे आके ना। एक तो यहाँ पे कोई पिकअप लोडिंग होते हुए अभी हम देखे ही नहीं यहाँ पे सुबह सुबह, पता नहीं हमारा लोडिंग यहाँ पे हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा।
अभी तो फिलहाल हम सोने जा रहे हैं अपने बड़े बड़े भैया से, मतलब मिश्रागर भैया से, और ट्रांसपोर्ट से बात करेंगे कि भैया यहाँ से लोडिंग मिलता है या फिर झूठ झपाड़ है, ठीक है। क्योंकि मिश्रा भाई को मैंने बता के नहीं आया यहाँ पे, क्या ही बताया यार, दिमाग ख़राब हो गया भाई। और व्यापारी से मतलब पता है कभी कभी यार डायरेक्ट बात करके नहीं आना चाहिए, ये एक सबक भी अपने लिए कि कभी भी, और आप लोगों को एक सबक है, कभी किसी न्यू व्यापारी के चक्कर में कहीं दूर मत चले जाइए, पता चला वहाँ जाने के बाद लोडिंग ही आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे बढ़िया हुआ तो हम रानाघाट चले गए होते यार, वो हमारे लिए बेटर रहता। तो भाई अगर व्यापारी साहब वीडियो मेरा देखता है, अगर भाई वीडियो देख रहा हूँ ना, तो ये बहुत ही गलत काम ने किया। हम चाहते तो आपका नाम ले सकते हैं, लेकिन नाम नहीं लेंगे भाई, क्योंकि देखो भाई ये आप जो कर रहे हो ना, ये आप गलत कर रहे हो, बस इसको भगवान देख रहा है, ठीक है। बस गलत मत करो किसी के साथ में यार, हमने क्या बिगाड़ा था बताओ। आपने बोला कि भाई चले जाना गाड़ी लोडिंग कर लेना, हमने गाड़ी का खाली किया, सिर्फ आपके भरोसे में मैंने यहाँ तक आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, तो ये गलत बात है भाई, बहुत बुरा आज फंस गए हैं, मूड ख़राब हो गया भाई। अभी फिलहाल यार थोड़ा सोएंगे, देखते हैं हमारे मिश्रा भी अब लोडिंग कहीं ना कहीं से करा ही देंगे, यहाँ से नहीं होगा तो फिर गड़बत्ता जाना पड़ेगा हमको, जैसा होगा पता चलेगा। फिलहाल थोड़ा सा यार आराम कर लेते हैं, बहुत बुरा फंस ही चुके यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। पहली बार भरोसा किया था किसी व्यापारी को, पर यार भरोसा तोड़ दिया, सोच सकते हैं। कोई नहीं भाई, होता है लाइफ में, बहुत कुछ होता है, बस आप लोग भी केयरफुली होकर गाड़ी चलाइए, और कहीं पर जाते हैं लोडिंग करने के लिए जो पुराना आपका लोडर है उसी से बात करके जाइए, ठीक है। फिलहाल अभी रात के 8 बज चुके हैं, जस्ट मैंने अभी अपने दूसरे वाले व्यापारी से बातचीत कर लिया है, मिश्रा भैया से बातचीत हो चुका है, उन्होंने बोला कल आपका गाड़ी 101% लोडिंग हो जाएगा, कोई नहीं। फिलहाल अभी जस्ट मैंने खाना खा लिया है, और भाई कुछ दिन पहले से आप लोगों का कमेंट रेगुलर आ रहा है इधर बीच कि भाई जो फरक्का ब्रिज मालदा से पहले पड़ता है वो क्या बांग्लादेश में पड़ता है, तो भाई नहीं, वो बांग्लादेश में नहीं पड़ता है, वो अपने इंडिया में पड़ता है जो फरक्का ब्रिज है, और फरक्का ब्रिज से बांग्लादेश बॉर्डर 80 से 90 किलोमीटर दूर है। क्योंकि हम वहाँ पे कालिया चौक जाते थे, वहाँ पे हम लोग जाते थे लीची लोड करने के लिए, तो भाई वहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर बहुत दूर है, पास में नहीं है, फरक्का ब्रिज अपने इंडिया में, ठीक है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग कमेंट आया उसके बारे में जस्ट अभी रिप्लाई दे रहे हैं। तो फरक्का ब्रिज अपने इंडिया में है, ना कि बांग्लादेश में, ठीक है। तो फिलहाल अभी जा रहे हम सोने के लिए, सुबह डायरेक्ट मिलते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थके हुए भी हैं, खाना वगैरह मैंने खा ही लिया है, तो रेस्ट करते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट सुबह। तो भाई हो चुका है सुबह, जस्ट भाई अभी सो के उठे हैं, मतलब रात भर मस्त सो गए थे यार, मज़ा आ गया सो के। सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पर ना भाई बहुत ज़बरदस्त ठंडा पड़ रहा है, तो जस्ट सो के उठे हैं, थोड़ा जाते हैं फ्रेश अगर हो लेते हैं, बगल में सुलम शौचालय है, फ्रेश अगर हो के आएंगे, उसके बाद पूरा गाड़ी का साफ़ सफाई करना है, शीशा अगर साफ़ करना है, क्योंकि आज के दिन अपना गाड़ी लोडिंग भी होने वाला है, तो गाड़ी अगर साफ़ सफाई करना है। यहाँ पे एक गाड़ी अपना है, इधर एक गाड़ी इधर है, एक गाड़ी उधर है, टोटल 3 गाड़ी अपने बनारस का है। ये तो भाई बनारस का ही गाड़ी है, लेकिन बनारस का नंबर नहीं है, बाहर की गाड़ी खरीदा हुआ है, ठीक है। वो बनारस का लोकल नंबर है EX, और ये बनारस का है, और ये अपना बनारस का है, और ये देखिए झारखंड की गाड़ी है, टमाटर लेके आया हुआ है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, फ्रेश अगर हो लेते हैं, उसके बाद आते हैं तो गाड़ी अगर साफ सफाई करते हैं। तो भाई फाइनली फ्रेश अगर हो लिया है, और अभी भाई गाड़ी का साफ सफाई करना है, तो गाड़ी को लेके चलते हैं आगे, क्योंकि वहां पे ना पानी का फुल व्यवस्था है। तो चलते हैं, पूरा बोनट अगर हम मस्त धोएंगे, शीशा अगर भी धो लेंगे, और अंदर का भाई मैटिंग अगर पूरा गंदा हो रखा है देख सकते हैं, ये सब भी पूरा साफ सफाई कर लेंगे, इधर भी पूरा साफ सफाई कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले गाड़ी लेके आगे। आ रहे हैं, गाड़ी का साफ सफाई थोड़ा कर ले, आ रहे हैं 5 मिनट में। तो आ चुके हैं भाई जहां पे गाड़ी का साफ सफाई करना है। और एक चीज बता दे भाई, यहाँ पे ना ठंड काफी ज्यादा पड़ रहा है, तो ठंड के दिन में यार गाड़ी का जो इंजन का साउंड होता है ना, वो भाई चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को सबूत दिखा देते हैं, ये देखिए। ठंड का दिन में भाई कुछ अलग ही लेवल का साउंड आता है गाड़ी से। तो चलिए अंकल जी साफ सफाई कर रहे हैं गाड़ी का, और हम भी हाथ लगवाते हैं फटाफट करके, रगड़ते हैं कपड़ा से। भाई
गाड़ी का साफ सफाई फाइनली हो चुका है कंप्लीट, और भाई हमने भी तेल वगैरह लगा लिया है बाल में, देख सकते हैं आपका भाई हीरो लग रहा है यार। चलते अभी चाय वगैरह पीने के लिए, और भाई लोडिंग भी कंफर्म हो चुका है, तो आज के दिन में अपना गाड़ी लोडिंग भी होने वाला है। मैंने व्यापारी से जाके मिल लिया है, लेकिन वो वाला व्यापारी नहीं, ठीक है, जिससे हो चुका था झगड़ा, जो फ़ोन नहीं मेरा उठा रहा था। कोई नहीं, कहाँ का लोडिंग होगा, क्या चीज़ लोडिंग होगा, वो सब आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो चलिए पहले एक बार आप लोग गाड़ी में नज़र डालिए, पूरा साफ सफाई हो चुका है। एक दादाजी थे यहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया गाड़ी वगैरह धुलवाने में, हमने भी मेहनत किया, दोनों आदमी मिल के गाड़ी का साफ सफाई पहले ही कम्प्लीट कर लिया है, देख सकते हैं इधर। तो चलिए चलते हैं फटाफट गाड़ी को यहाँ से निकाल के चाय के दुकान में मस्त चाय पीते हैं, उसके बाद आगे का सीन आप लोगों को आगे चल के बताते हैं। ये सब भी मैंने मैटिंग अगर अभी चमका लिया है, देख सकते हैं भाई पानी से अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो भाई गाड़ी का बाहर तो चमका लिया, लेकिन अंदर अगर साफ सफाई नहीं रहता ना तो मन नहीं करता है गाड़ी अगर चलाने का भाई। तो पूरा भाई गणेश जी अगर को पूरा यहाँ से देख सकते हैं, गणेश जी के नीचे के पूरा जो है सब कुछ साफ कर लिया, डैशबोर्ड अगर। तो चलिए चलते हैं यहाँ से निकलते हैं पहले अब। फिलहाल भाई अभी हम बैठ कर ना अखरोट खा रहे हैं, देख सकते हैं अखरोट जो राजा भाई ने दिया था, और इधर कुछ छिल के भी रखा हुआ है, ये देखिए भाई इसके अंदर इतना तेल है ना, आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए अखरोट है, ठीक है, ये देखिए तेल इसका, देखिए आप लोग इतना ज़्यादा इसमें तेल निकल रहा है, मतलब एकदम प्योर जो अखरोट होता है ना वो यही वाला अखरोट होता है भाई, देखिए देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है। अखरोट अगर भाई खा लिया है, अब भाई चाय पीने का मन कर गया, सुबह से अभी तक मैंने चाय अगर नहीं पिया था, गाड़ी में बैठे हुए थे गाड़ी का साफ सफाई करने के बाद। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, और ये सुबह का मंडी का नज़ारा पूरा भाई खाली खाली सा है, आप लोग बार चेक कर सकते हैं। पहुंच चुके चाय के दुकान पर, एक अपना भी चाय लगा दीजिएगा। अच्छा लगा दिया, अच्छा क्या बात है, चलिए अच्छा तो चाय लग चुका है, चाय पीते हैं फिर पहुँचते हैं गाड़ी के पास में। तो फाइनली भाई चाय वगैरह पी लिया है, और धीरे धीरे भाई अभी मंडी लगना चालू भी हो रहा है, और अपना भी भाई माल रेडी होना चालू हो चुका है। वो सब जितना कुछ भी आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा, मतलब भाई माल तो बन रहा है, लेकिन क्या माल बन रहा है जैसे उस वीडियो का इंट्रो चालू करेंगे उस वीडियो में आपको बता देंगे, माल लोडिंग करके कहाँ पर जाना है वो भी भाई आपको बता देंगे। तो जैसे ही भाई दिन हो रहा है वैसे ही धीरे धीरे यहाँ का मंडी का रौनक बढ़ते जा रहा है। तो एक बार पीछे चेक करें भाई, ये देखिए। तो फिलहाल सोच रहे हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि भाई अभी दूसरा वीडियो का भी इंट्रो चालू करना है, और दूसरा वीडियो भी बनाना है कि भाई अपना माल क्या तैयार हो रहा है, क्या चीज़ होने वाला है। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में। और हाँ भाई, आप लोग कभी भी किसी न्यू पार्टी के चक्कर में पड़ के कहीं आप लोग दूर मत चले जाइएगा, कोई आपको अगर फ़ोन करे भाई आ जाइए आपका गाड़ी हम लोडिंग करवा देंगे तो उसके भरोसे पर आप जल्दी मत चले जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी अच्छा खासा फंस जाएँ, क्योंकि भाई जो काफ़ी दिनों से गाड़ी लोडिंग करवा रहा है आप उसी से अपना गाड़ी को लोडिंग करवाएं। कोई नया पार्टी बोले तो आप लोग अच्छे से पूछ के जाएं कि भाई हाँ हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, कैसे भरोसा करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, भरोसा करने पे ही भरोसा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि भरोसा करके जाइए लेकिन भरोसा तोड़ देते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। ऐसे प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका छोटा भाई आप लोगों के लिए ऐसी मेहनत करेगा और आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आता रहेगा। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है BDM Vlogs, जल्दी जल्दी जाके फॉलो करिए पेज को अपने। और अभी तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज का भी नाम है BDM Vlog, और हमारे इंस्टाग्राम का भी नाम है BDM Vlogs। तो जल्दी जाइए फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।